हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 26 जून 2021 के, और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हैं आप, तो पूरी वीडियो रिक्वेस्ट इतना है कि पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे ही मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इसकी विषय वस्तु यानी कि थीम पूछ रहा है कि क्या रखी गई थी। तो 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की, सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ठीक है, सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। दिवस का उद्देश्य नाविकों को विश्व अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से राजस्थान के किस अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को, जो कि बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी जगह पे है, इसको बाघ अभयारण्य में की मंजूरी मिल गई है। किससे मिली है मंजूरी, कौन देता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब तक यह अभयारण्य राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है, याद रखिएगा। वहाँ पे राजस्थान में तीन पहले से बाघ अभयारण्य थे, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चौथा बाघ अभयारण्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले से कौन कौन सा प्रेजेंट है राजस्थान में? रणथंभौर अभयारण्य है, यहाँ पे देखिएगा। दूसरा है सरिस्का है, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये सरिस्का है, ठीक, सरिस्का, इसको आप याद रखिएगा। ये सरिस्का बाघ अभयारण्य है, ना कि सारिका, सरिस्का, ठीक। आप नाम सुने ही होंगे, सरिस्का बाघ वन्य जीव अभयारण्य है। और तीसरा है ताल छापर अभयारण्य, और चौथा यहाँ पे आप रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड में किसको एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? तो यासिर अल रुमायन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। सऊदी अरामको के अध्यक्ष और किंगडम के धन कोष पब्लिक इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे फंड के गवर्नर हैं ये यासिर अल रुमायन, और रिलायंस इंडस्ट्री बोर्ड में के टोटल 14 सदस्य में से आधे स्वतंत्र निदेशक हैं, जिसमें SBI के, आप सभी को पता होगा SBI के पूर्व अध्यक्ष के बारे में, अरुंधति भट्टाचार्य, और मैकिन्से इंडिया के पूर्व प्रमुख आदिल जनुल भाई शामिल हैं। चौथा प्रश्न है, किसे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है कि दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है, जिसका प्रथम कुलपति यहाँ पर नियुक्त किया गया है कर्णम मलेश्वरी को। ये ओलंपिक पदक विजेता है, आप सभी को पता है, ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं कर्णम मलेश्वरी। उन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क जो श्रेणी होती है भारोत्तोलक वहाँ पे जो खेल की श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। तो इनको अब दिल्ली के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है, ये प्रथम कुलपति होंगी कर्णम मलेश्वरी। किस राज्य में महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा? तो केरल राज्य में महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जल्दी ही। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि अब से अपराजिता नाम का ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों का समाधान करेगा। तो यहाँ पे जो पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की जाएगी उसका नाम है अपराजिता, ठीक है, अपराजिता नामक ये ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी केरल राज्य द्वारा।
घरेलू शोषण सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। दहेज संबंधी शिकायतों की जांच और निराकरण के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है, केरल राज्य द्वारा अपराजिता पोर्टल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। छठवां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते ISAFA और अनुसमर्थन के साधन के समझौते पर साइन किया है? तो यहाँ पे डेनमार्क ने भारत के साथ यहाँ पे ISAFA और अनुसमर्थन के साधन के समझौते पर साइन किया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया है। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 120 से अधिक देशों का संघ यहाँ पे गठबंधन है। यहाँ पे आपको डेनमार्क के मुद्रा के बारे में बताना है और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। ठीक है, ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जो कि जिसकी शुरुआत की गई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम भारत में। सातवां क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये सम्मान दिया गया है, जो कि भारत का है। यह सम्मान एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI से मिला है। ACI हवाई अड्डों संचालकों की एक वैश्विक संस्था उन हवाई अड्डों के लिए मान्यता स्थापित की जिन्होंने यात्रियों की राय में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। तो काफ़ी अच्छी बात है ये भारत के लिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यहाँ पे एक्सलेंस का अवार्ड दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने UN विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ओडिशा राज्य ने यहाँ पे UN विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। UN विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार हजारों राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचकर आजीविका पहल के को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा के सुधार के लिए मिलकर कार्य करेंगे। यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी होगा, यानी कि 2023 तक ये समझौते के हिसाब से इनका पार्टनरशिप चलेगा। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। विश्व यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि UNWFP द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी और हेडक्वार्टर रोम इटली में है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे 2021 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो तृतीय का निधन हो गया है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे बेनिग्नो एक्विनो तृतीय। इन्होंने 2010 से लेकर 2016 तक फिलीपींस का नेतृत्व किया था, वहाँ के राष्ट्रपति थे। इनके प्रशासन के दौरान ही मनीला दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद को लेकर हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष चीन को ले गए थे तथा ये मामला उसमें दायर किया गया था। फिलीपींस की राजधानी आप सभी को पता है मनीला है, यहाँ पे याद रखिएगा मनीला है फिलीपींस की राजधानी, मनीला है, यहाँ पे मनील नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा। मुद्रा है फिलिपिनी पेसो और राष्ट्रपति हैं यहाँ पे जो फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेरते हैं इसके प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति। दसवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मिजोरम राज्य के लिए यहाँ पे मिजोरम राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राजधानी आप सभी को पता है मिजोरम की है आइजोल। भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से $32 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह मिजोरम में विशेष रूप से अल्प सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लाभ के लिए प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा।
राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। इसके द्वारा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। किसके द्वारा मातृ किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, आपको इसका आंसर देना है। अब है कल के प्रश्न देखने का समय। कल के प्रश्न का जवाब, भारत ने आगामी ओलंपिक के लिए ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है लॉन्च किया, इस सॉन्ग को किसने गाया है? तो मोहित चौहान जी हैं, आप सभी को पता है काफ़ी फेमस यहाँ पे सिंगर हैं ये मोहित चौहान जी ने इसको सिंग किया है, गाने को गाया है लक्ष्य तेरा सामने है। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को गाया और संगीतबद्ध किया। खेल 23 जुलाई 2021 से शुरू होगा, आपको पता है कि ओलंपिक के जो खेल हैं जो टोक्यो जापान में खेले जाने वाले हैं 23 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत होगी और 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।